हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स एकेडमी। आज के क्लास में हम कवर करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। लास्ट क्लास में हमने ये कवर किया था कि भाई सीक्वेंस हम किसे बोलते हैं। सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस वाज अ फंक्शन। सीक्वेंस वाज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एनी सेट। टू एनी सेट, इन केस अगर हम रियल नंबर का सेट ले रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे रियल सीक्वेंस। इसे हम बोलेंगे रियल सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेते तो इसे हम क्या बोलते? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलते या सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते। क्लियर? और हमने ये देखा कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। हमने ये देखा बाउंडेड सीक्वेंस का और सीक्वेंस की लिमिट का मतलब क्या होता है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। हम डिफाइन करने जा रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। एक बार हम लिमिट का सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है ये समझ लें। हम ये बोलते हैं कि भाई xn इस सीक्वेंस का लिमिट l है। इस सीक्वेंस का लिमिट l है इफ फॉर ऑल epsilon greater than 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k सच दैट xn माइनस l दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक, मतलब एक स्टेज के बाद एक्स एन और एल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या इसे एक और तरह से समझें तो भाई एक सीक्वेंस एक्स एल इसका लिमिट एल है, ऐसा हम तब बोलते हैं जब इसके आसपास हम कोई भी छोटा सा इंटरवल ले लें, L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सिर्फ कुछ फाइनाइटली मेनी मेंबर्स इस सीक्वेंस के बाहर होंगे, बाद बाकी इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स इस इंटरवल के अंदर होंगे। ठीक है, एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद हर एक सीक्वेंस का मेंबर इस इंटरवल के अंदर होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई सीक्वेंस का लिमिट L है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस? कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है? ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। A sequence xn is said to be a convergent sequence if it has a limit. अगर उसका कोई limit हो, if it has a limit, limit say L in R. एक sequence को हम convergent तब बोलते हैं जब उसका कोई limit हो। ठीक, इस केस में हम बोलते हैं that the sequence xn then the sequence xn converge to limit L. The sequence xn converge to limit L. इसे लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है लिमिट fn, अगर सीक्वेंस को हम fn बोल रहे हैं, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू L, ये एक तरीका है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरीके को यूज़ नहीं करेंगे, हम इस तरह से यूज़ करेंगे द सीक्वेंस xn converge to L। इसका मतलब xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसका लिमिट L है। ठीक है, xn converge to L। ठीक, और इसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब बोलेंगे अगर ये कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। इसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब बोलेंगे अगर वो कन्वर्जेंट ना हो, इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट। एक सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट तब बोलेंगे जब वो कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये प्रूफ करेंगे दैट द सीक्वेंस 1/n converge to 0। हम ये प्रूफ करेंगे दैट द सीक्वेंस 1/n
कन्वर्ज टू जीरो, ठीक, जिसका लिमिट क्या होगा, जीरो होगा। और लास्ट क्लास में हमने एक थियोरम स्टैब्लिश किया था कि भाई एक सीक्वेंस का एटमोस्ट वन लिमिट ही हो सकता है, द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक, ये हमने स्टैब्लिश किया था, ठीक। तो मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी आर्बिट्री। बी आर्बिट्री का मतलब क्या है, हम कोई भी प्री असाइंड एप्सिलॉन अपने पसंद का कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी छोटा सा छोटा नंबर हम एप्सिलॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बोलता है यार का, भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट वन बाई के इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन जीरो, ये होता है, ठीक। दिस इम्प्लाइज कि भाई वन बाई एन जो कि छोटा है वन बाई के से, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा एंड वन बाई एन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, है ना। अगर एन के से बड़ा या बराबर है तो मतलब क्या है कि भाई वन बाई एन के से छोटा या बराबर होगा, है ना। इसका मतलब तो यही है, ठीक। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज द वन बाई एन माइनस जीरो ये मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के मतलब लिमिट ऑफ वन बाई एन एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक। या हम इस तरह भी लिखते हैं द सीक्वेंस वन बाई एन कन्वर्ज टू जीरो, द सीक्वेंस वन बाई एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट कन्वर्ज टू जीरो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस वन बाई एन है ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स का सीक्वेंस है जो कि जीरो पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अगर सीक्वेंस में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो जीरो पे कन्वर्ज ना करे, ऐसा हो सकता है कि भाई एक सीक्वेंस में अगर सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हो तब भी वो सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टेक अ सेकंड एग्जांपल हम ये दिखाते हैं कि भाई ये सीक्वेंस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू वन, हम ये दिखाते हैं दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू वन वाई डेफिनेशन, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी आर्बिट्री, मान लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक आर्बिट्री प्री असाइंड नंबर है, ठीक। नाउ एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक, माइनस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम एप्सिलॉन से छोटा करना है, इसे अगर हमें एप्सिलॉन से छोटा करना है इसका मतलब क्या है भाई एन स्क्वायर कट के वन हो जाता है, तो वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन, दिस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज वन बाई एन स्क्वायर मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज वन बाई एन स्क्वायर मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन वन बाई एप्सिलॉन, ठीक। दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एन बाई एप्सिलॉन, या बोथ साइड अगर रूट ले लें देन एस मस्ट बी ग्रेटर देन वन बाई रूट एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर एन का वैल्यू वन बाई रूट एप्सिलॉन से बड़ा हो तो ये होगा,
तो ये होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो एक नेचुरल नंबर चाहिए था, हमें तो एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, है ना। वन बाई रूट एप्सिलॉन जरूरी नहीं है कि ये एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो हम क्या करें, हम क्या करें। अच्छा, वन बाई एप्सिलॉन सपोज यहाँ पे है, वन बाई रूट एप्सिलॉन सपोज यहाँ पे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा। द बॉक्स फंक्शन, बॉक्स ऑफ वन बाई रूट एप्सिलॉन, है ना, बॉक्स फंक्शन। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, बॉक्स फंक्शन। ये अगर इंटीजर खुद है वन बाई रूट एप्सिलॉन तो तब तो वो यहीं पे रहेगा, तब तो वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर नहीं तो हम उससे जस्ट छोटा एक इंटीजर ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद वाला इंटीजर कौन सा है, इसके बाद वाला इंटीजर कौन सा है, वन बाई रूट एप्सिलॉन बॉक्स, वन बाई रूट एप्सिलॉन बॉक्स प्लस वन, प्लस वन। हमें पता है कि वन बाई रूट एप्सिलॉन के बाद से, वन बाई रूट एप्सिलॉन के बाद से सारे वैल्यूज के लिए, सारे वैल्यूज के लिए एनी, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन वन बाई रूट एप्सिलॉन, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इन पर्टिकुलर इसके लिए भी होल्ड करेगी, ठीक, इन पर्टिकुलर इसके लिए भी होल्ड करेगी। इसे इसे ही हम के बैठा देते हैं, इसे ही हम के बैठा देते हैं। तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला कि भाई एन स्क्वायर प्लस वन, मॉड ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। की का वैल्यू क्या है, वन बाई रूट एप्सिलॉन प्लस वन। ठीक है, वैल्यू क्या है, वन बाई रूट एप्सिलॉन बॉक्स ऑफ वन बाई रूट एप्सिलॉन प्लस वन। ठीक, सो दिस शोज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन। और हम इसको इस भाषा में लिख सकते हैं कि भाई दिस सिक्वेंस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर दिस कन्वर्जेस टू वन, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री, एग्जांपल नंबर थ्री। व्हाट अबाउट दिस सीक्वेंस, अगर हम इस तरह से डिफाइन करें एफ फ्रॉम एन टू आर defined by fn equal to 3 for all n belongs to n। अगर हम इस सीक्वेंस का बात करें तो ये सीक्वेंस बेसिकली क्या है, ये सीक्वेंस बेसिकली क्या है, 3 3 3 3 3 इस तरह से, है ना। क्यों, f1 पे वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा, f2 पे वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा, f3 पे वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा। सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, है ना, दिस इज अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ठीक। एंड दिस कन्वर्जेस टू, दिस कन्वर्जेस टू थ्री, दिस कन्वर्जेस टू थ्री, ठीक है। क्यों, क्यों बाय डिफॉल्ट होल्ड करता है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी आर्बिट्री, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी आर्बिट्री, देन एफ एन fn minus 3 is less than epsilon for all n greater than or equal to 1 in particular, है ना। यहाँ पे कोई k find करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 से ही ये hold कर रहा है, यहाँ पे 1 से ही ये hold कर रहा है। This implies what? That limit of fn as n tends to infinity, this is what 3। यहीं से एक note आता है, यहीं से एक नोट आता है दैट अ कांस्टेंट सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस कांस्टेंट है, अगर सीक्वेंस कांस्टेंट है तो हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। लिख लेते हैं हम, अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डेफिनेटली इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, है ना। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो, है
हमने लास्ट दो एग्जांपल्स में भी देखा, हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा दैट दे वेयर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, दैट दे वेयर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं है लेकिन कन्वर्जेंट हैं, लेकिन कन्वर्जेंट हैं, क्लियर। तो क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस कुछ और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, लेकिन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड जरूर होता है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड जरूर होता है, दिस इज मस्ट। अगर एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है तो वो बाउंडेड होगा, ठीक है, समझते हैं इसे कैसे। अगला रिजल्ट यही है भाई, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रूफ करते हैं इसे, प्रूफ करते हैं। लेट लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू एल, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू एल, मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट क्या है, एल है, ठीक है। Let us choose epsilon equal to 1. Epsilon equal to 1 ले लेते हैं, epsilon equal to 1 ले लेते हैं। इस epsilon के लिए, इस epsilon के लिए there exist a natural number k, there exist a natural number k such that xn से l के बीच में जो डिस्टेंस है वो epsilon से छोटा हो, तो epsilon से छोटा हो, है ना, या xn से l के बीच में जो गैप है वो 1 से छोटा हो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है xn माइनस l दिस लाइज बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, ठीक। दिस मींस व्हाट, xn लाइज बिटवीन L minus 1 to L plus 1 for all n greater than or equal to k, ये होगा, ये होगा, ठीक। मान लेते हैं let A हो रहा है maximum, ये है maximum of say x1 x2 ऐसे करते करते xk minus 1 एक्स के माइनस वन और एल प्लस, ठीक, ए इन सब का मैक्सिमम है, ए इन सब में जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और बी हम डिफाइन करते हैं मिनिमम, मिनिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू ऐसे करते करते एक्स के माइनस वन टू एल एल माइ एल माइनस वन, एल माइनस वन, ठीक। इसका मतलब क्या है कि भाई xn का जो वैल्यूज है वो हमेशा, वो हमेशा b और a के बीच में रहेगा, xn का वैल्यूज जो है वो हमेशा b और a के बीच में रहेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इंप्लाइज व्हाट, द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट xn is a bounded sequence, xn is a bounded sequence, clear, clear। यहां से एक छोटा सा corollary निकल के आता है, ठीक है। हमें क्या पता है कि भाई अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, होगा ही होगा, ठीक है, अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड। अगला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट अबाउट द कन्वर्स पार्ट, व्हाट अबाउट द कन्वर्स पार्ट। अगर एक अनबाउंडेड सीक्वेंस हमें मिल जाए, अगर एक सीक्वेंस हमें ऐसा मिले जो बाउंडेड ना हो, जो बाउंडेड ना हो, तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा, क्या वो कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल नहीं, क्या वो कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। इसी नोट को लिखते हैं, इसी नोट को लिखते हैं कि भाई एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट,
क्लियर, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस हम लेते हैं -1 to the power n, -1 to the power n ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, ये बाउंडेड अबव है किससे, +1 से, बाउंडेड बिलो है किससे, -1 से, है ना, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव है, ये 0, ये +1, ये माइनस, तो सीक्वेंस का वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही घूम रहा है, 0 से 1 के बीच में से ज़्यादा तो कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, बट दिस सीक्वेंस -1 to the power n डज नॉट कन्वर्ज टू एल इनपुट, ये सीक्वेंस ना तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है ना तो -1 पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर 1 के आसपास हम कोई भी थोड़ा सा इंटरवल ले ले, 1 minus epsilon to 1 plus epsilon, ठीक है, 1 के आसपास हम कोई भी इंटरवल ले लें, तो इस सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पॉजिटिव 1 से बाहर रहेंगे, है ना, जो कि इस पॉजिटिव 1 से बाहर रहेंगे, ठीक, दैट मींस वाज द सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लिमिट थ्योरम्स के ऊपर, ठीक, तो मान लेते हैं कि भाई लेट लेट un एंड vn बी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक, un टेंड्स टू u एंड vn टेंड्स टू वी, ठीक है, तो पहला रिजल्ट यहाँ पे क्या है, दैट लिमिट ऑफ यू एन प्लस वी एन दिस इज इक्वल टू यू प्लस वी, ध्यान रहे। दूसरा क्या है कि भाई इफ सी बिलोंग्स टू आर देन लिमिट ऑफ सी इंटू यू एन दिस मस्ट बी सी मॉड वी, दिस मस्ट बी सी मॉड वी का जरूरत नहीं है, सी इंटू वी लिखते, सी इंटू यू, क्लियर, थर्ड लिमिट ऑफ यू एन इंटू वी एन ये क्या हो जाएगा, यू इंटू वी, ठीक, फोर्थ क्या हो जाएगा भाई, लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन दिस इज इक्वल टू यू बाई वी, प्रोवाइडेड वी एन इज अ सीक्वेंस, वी एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, समझ में आया, दीज ऑल आर लिमिट थ्योरम्स ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है, दे ऑल आर लिमिट थ्योरम्स इन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट बोल रहा है कि भाई अगर यू एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है कन्वर्जिंग टू यू, तो द सीक्वेंस मॉड ऑफ यू एन, द सीक्वेंस मॉड ऑफ यू एन दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू मॉड ऑफ यू, ठीक है, दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू मॉड ऑफ यू, कैसे हमें ये पता है कि भाई un mod of un minus mod of u ये छोटा है,
ये छोटा है मॉड ऑफ यू एन माइनस यू से, ये छोटा है मॉड ऑफ यू एन माइनस यू से, ठीक है। मान लेते हैं लेट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक, सिंस सिंस लिमिट ऑफ यू एन इक्वल टू यू, देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर की, देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर की सच दैट सच दैट यू एन माइनस यू दिस गैप इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। इसका मतलब ये है दैट यू एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। इसका मतलब क्या गया, दैट लिमिट ऑफ मॉड यू एन दिस इज इक्वल टू मॉड यू, दिस इज इक्वल टू मॉड यू। क्लियर है, क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। याद रहे इसका कन्वर्स लेकिन ट्रू नहीं है, ठीक है, इसका कन्वर्स लेकिन ट्रू नहीं है, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, द कन्वर्स, नोट, द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं होता। अगर मॉड ऑफ यू एन यू पे मॉड ऑफ यू पे कन्वर्ज करे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यू एन भी यू पे कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज दिस यू एन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है, हमें क्या दिखता है कि भाई मॉड ऑफ यू एन दिस कन्वर्जेस टू जीरो, क्यों, यू एन क्या हो जाता है, यू एन क्या हो जाता है, मॉड ऑफ यू एन क्या हो जाता है, मॉड ऑफ यू एन हो जाता है वन, उसका मॉड वन होगा, नेक्स्ट डे होता है माइनस वन, उसका मॉड वो भी वन होगा, थर्ड डे वन वन उसका होगा, फोर्थ डे माइनस वन और उसका दोनों का, ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह से। तो यू एन, यू एन कन्वर्जेस टू वन, मॉड ऑफ यू एन कन्वर्जेस टू वन, लेकिन दिस सीक्वेंस दिस यू एन डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज नाइदर डाइवर्ज। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट थ्योरम उसने ये कहा है कि भाई यू एन अगर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर्स का और एक नेचुरल नंबर ऐसा है सच दैट यू एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो भाई लिमिट ऑफ यू एन जीरो होगा, तो भाई लिमिट ऑफ यू एन जीरो होगा। क्लियर, तो लिमिट ऑफ यू एन जीरो कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें, लेट मान लेते हैं, लेट यू एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच कन्वर्ट टू यू, विच कन्वर्ज टू यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम सच दैट un is greater than 0 for all n greater than or equal to m, ये होगा for all n greater than or equal to m। इसका मतलब ये है कि भाई limit of un, limit of un as n tends to infinity, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, है ना, है ना, अब मान लेते हैं लेट यू लेस देन जीरो, ठीक,
तो हम क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन ऐसा ले लेंगे, लेट अस चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ठीक है, सच दैट लिमिट ऑफ यू एन सच दैट यू प्लस एप्सिलॉन दिस इज लेस देन जीरो, यू प्लस एप्सिलॉन दिस इज लेस देन जीरो। ठीक, अब चूंकि यू एन कन्वर्ज टू यू था, यू एन कन्वर्ज टू यू था, यू एन कन्वर्ज कर रहा था यू पे, ठीक। सो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के वन, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के वन सच दैट UN lies between U minus epsilon to U plus epsilon for all n greater than or equal to K1. Clear? मान लेते हैं K है maximum of K1 and M. Suppose K is maximum of K1 and M, ठीक। Then by hypothesis क्या था, हमें दिया हुआ था that UN is greater than zero for all n greater than or equal to K, ये हमें दिया हुआ था, है ना, ये हमें दिया हुआ था। हमें पहुंचना क्या था, हमें ये दिखाना था कि इसका लिमिट भी जीरो से बड़ा होगा, इसका लिमिट भी जीरो से बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, यहाँ से हमने दिखा दिया कि भाई यू एन बड़ा है एंड और हमने क्या दिखाया, n is greater than or equal to k1, ठीक है, for all n greater than or equal to k, और ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, लिख लो, इसे पहले लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोला है, अगर UN और VN दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, UN और VN दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, UN कन्वर्जेस टू U, VN कन्वर्जेस टू V, ठीक, तो एक नेचुरल नंबर M हमें ऐसा मिल जाएगा सच दैट UN इज ग्रेटर देन VN फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू M, एंड लिमिट ऑफ UN विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ VN, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। हम डिफाइन करते हैं WN दैट इज UN माइनस VN, ठीक है। अब WN क्या है, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसका लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ डब्ल्यू एन क्या है यू माइनस वी। क्लियर? प्रीवियस थ्योरम से हमें ये पता चलता है इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है, कि u माइनस v जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तो कॉन्सिक्वेंटली लिमिट ऑफ un इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ vn, ठीक है समझ में आया? बस तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही,
इसके बाद का हम कल कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे रियलिस्ट के साथ बाकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। दिस इज रत्नाकर फ्रॉम एक्सेडमी। थैंक यू।